बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से मेरे पास आज बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। ये खबर सुनने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन खबर सुनाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साद हुसैन रिजवी साहब की नज़रबंदी को बढ़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो नज़रबंदी है इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन आज हुकूमती वकला की जानब से अपनी वो दरख्वास्त वापस लेने के लिए एक दरख्वास्त दे दी गई है। जैसे ही वो दरख्वास्त अप्रूव हो जाएगी, 48 घंटे के अंदर अंदर ये दरख्वास्त अप्रूव हो जाती है। जैसे ही अप्रूव होगी और जो साद हुसैन रिजवी साहब की नज़रबंदी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब रिहा हो जाएंगे। और इस खबर की तस्दीक ये है कि आप वकील टीवी वाले हैं, वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनकी जाके वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर से इस खबर को रिपोर्ट किया है, आप लोग सबूत के तौर पर देख सकते हैं। और मीडिया चैनल्स के ऊपर भी कुछ देर के बाद जब ये खबर पहुंचेगी तो उनके ऊपर भी चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये खबर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।